कक्षा 10 की जो साइंस है बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो देखते ही अपने को याद हो जाते हैं। चैप्टर फर्स्ट है उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं वाला टॉपिक जो है ना बड़ा इजी है अगर अपन ध्यान से पढ़े तो। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो याद जरूर होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ें इससे पहले अपने को जानना क्या जरूरी है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है भाई? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में अगर समझ लेंगे तो हम रासायनिक अभिक्रियाएं अपने को समझ में आने लगेंगी। रासायनिक परिवर्तन पहले अपन देखेंगे इसकी परिभाषा, इसे कहेंगे ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुणों में या रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक संगठन केमिकल फॉर्मूला जो होता है वह चेंज हो जाता है, रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको अपन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक अवस्था भी बदलती है और रासायनिक अवस्था भी बदलती है। तो कैसे समझेंगे इसमें भौतिक अवस्था से मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है जनरली, एक तो ठोस और दूसरी द्रव और तीसरी गैस। अगली बात समझना, तीन भौतिक अवस्थाएं पदार्थ की, ठोस द्रव व गैस। ठीक है, ठोस द्रव व गैस, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए बर्फ है, बर्फ को आपने क्या किया भाई? गर्म किया, और गर्म करने के बाद ये किसमें बदल गया? पानी में बदल गया। पानी को अगर अपने गर्म किया तो इसको अपन ने वाष्प में, जल वाष्प में यह बदल गया। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? जैसे ही वाष्प को ठंडी करेंगे ये पानी में बदलेगी, पानी को ठंडी करेंगे ये बर्फ में बदल जाएगी। ठीक है ना, तो बर्फ का पानी में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प का पानी में बदलना और पानी का बर्फ में बदलना, ये परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन इनमें क्या है? बर्फ का फॉर्मूला भी क्या है? H2O। पानी का भी क्या है? H2O। और वाष्प का भी क्या है? H2O। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है? भौतिक अवस्था बदल रही है पदार्थ की, लेकिन रासायनिक गुण या रासायनिक समीकरण जो है ना वो सेम ही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज। नया जो पदार्थ है, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना, न्यू प्रोडक्ट, नया उत्पाद, नया पदार्थ कोई भी इसमें नहीं बना है। तो ऐसे परिवर्तन तो कहलाएंगे क्या? भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन पर मैंने बताया आपको कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें देखिए इसके एग्जाम्पल अपन देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन में क्या है? कोई नया पदार्थ बनता है, खास खास बातें अपन देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन में होगा भाई, रासायनिक परिवर्तन में पहली बात क्या है? एक नया पदार्थ बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है? नया पदार्थ बनने के साथ साथ रासायनिक संगठन बदलेगा, पदार्थ जो बनेगा उसमें रासायनिक संगठन बदल जाएगा। तीसरी बात क्या है? रासायनिक संगठन बदलने के बाद इसका मतलब क्या है कि यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है। आपने कोई नया पदार्थ बना लिया, उससे वापस वही पदार्थ नहीं बना सकते। तो रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार का होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। और क्या खास बात है? जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो उसका रंग भी बदल जाता है, रंग बदल जाता है, जनरली गंध बदल जाती है, गंध बदल जाती है, रंग बदल जाता है। ठीक है ना, भौतिक अवस्था तो बदलती है। ठीक, तो इस प्रकार
रासायनिक परिवर्तन की खास बात क्या होगी, एक तो नया पदार्थ बनता है, नया संगठन रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि जो पदार्थ है जिसमें कोई चीज बन जाती है ना उसे वापस वो पदार्थ हम नहीं बना सकते, कुछ अपवाद अलग है। ठीक है, तो ये था रासायनिक परिवर्तन।